हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फोटो वीडियो ऑडियो को अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। लिंक तो आप इजीली डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, लेकिन फोटो वीडियो या किसी पीएनजी को डालना मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है अगर आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेते हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ड्राइव को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी ड्राइव को ओपन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको फाइल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक फाइल अपलोड की हुई है, ठीक है। तो अभी गाइस मैं एक और फाइल अपलोड कर देता हूँ। सिंपली न्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको अपलोड वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे साउंड है। एक मैं साउंड भी अपलोड कर देता हूँ और एक फ़ोटो भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस वाली फाइल को अपलोड करना है अपनी गूगल ड्राइव में, तो सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी फाइल अपलोड हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। तो अभी गाइस हम सिंपली फ़ोटो को भी अपलोड कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं न्यू पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको तीन डॉट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको इमेज पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने जो भी इमेज आपने सेलेक्ट करनी है वो आपने सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी गाइस मैं यहाँ पर एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाली फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और सिंपली ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी गाइस यहाँ पर ये इमेज भी हमारी अपलोड हो जाएगी। ओके गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी इमेज भी अपलोड हो चुकी है। तो अब इनको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैसे लेकर जाना है, तो अभी के लिए मैं सिंपली इस साउंड को अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं तीन डॉट्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे आइकन देखने को मिलेंगे, ठीक है। डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। सिंपली अभी के लिए मैं कॉपी लिंक पर क्लिक कर देता हूँ और अब इस लिंक को आपने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देना है, ठीक है। तो इस आसान तरीके से आप किसी भी PNG वीडियो या ऑडियो को अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।